हेलो एवरीवन, आई होप सब भाई ठीक होंगे। भाई आज की वीडियो में मैं तुमको स्वाग आईक्यू के फ्लोटिंग से कैसे करें ये बताने वाला हूँ। भाई देख सकते हो, ये मेरे पास एक फ्लोटिंग है स्वाग आईक्यू का, दो फ्लोटिंग है भाई, एक मेरे पास ओरिजिनल है। भाई देख सकते हो, इसमें लैब दिखाऊंगा, देख ठीक है ना, देख सकते हो भाई 1 या 17 SBS इसमें। तो इसका मैं कैसे करने वाला हूँ, कैसे करना है वो सब इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई तुमको क्या करना, नॉर्मली कुछ नहीं करना, क्रोम पर जाना ठीक है ना। भाई वीडियो पूरा वॉच करना, अगर तुम कोई स्टेप मिस करते हो, पेमेंट नहीं आया तो तुम्हारा जिम्मेदारी, इसलिए भाई पूरा वॉच करो। भाई सबसे पहले तुमको क्रोम पर जाना है, क्रोम का तुमको क्लियर डाटा कर देना है। तो मैं इसका पहले क्लियर डाटा कर, भाई तुमने क्रोम का क्लियर डाटा कर दिया होगा नॉर्मली। अब तुमको क्रोम पर लिखना है स्वाग बक्स, ओके ये ठीक है ना, ये लिख देना है, ओनली स्वाग बक्स लिखना ठीक है ना। तो आप अब ये पहला दिख रहा है, ये पहला ही उसका ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, इस पर ही क्लिक करना है ठीक है ना। यहाँ पर जाना लॉग, भाई जो तुम्हारा ई बिल स्वाग आईक्यू पे अकाउंट पर लग रहा है वो तुमको यहाँ पर लिखना है, जिससे तुम कैसा करने वाली हो। तो भाई मैं अपना ई बिल देखता हूँ मेरा कौन सा लग रहा है, तो भाई मैंने अपना ई बिल देख लिया मेरा कौन सा लग रहा है, मैं उसको यहाँ फिल कर देता हूँ ठीक है ना। चलिए ई मेल फिल करता हूँ यहाँ पर अपना, भाई यहाँ मैंने अपना ई मेल भी फिल कर लिया और पासवर्ड भी। यहाँ से मैं लॉग इन पर क्लिक करता हूँ, मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है ठीक है ना। अब भाई देख सकते हो इसमें 1 या 17 SB है, मैंने तुमको सबसे पहले 1 या 17 SB बताया था। और तुमको यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है, सबसे पहले मैं 3 डॉट पर गया, टैप किया, यहाँ पर लिख रहा होगा भाई रिडीम योर SB, यहाँ पर क्लिक करना है रिडीम योर SB ठीक है ना। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो भाई यहाँ पर ये यहाँ से क्रॉस क्रॉस कर देना ऊपर से, और नीचे थोड़ा यहाँ देखना है, रुको भाई यहाँ पर क्लिक करना है, गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड ये लिखा है, गिफ्ट कार्ड यू कैन, ये यहाँ पर क्लिक करना है व्यू ऑल पर, तो व्यू ऑल पर क्लिक कर दिया हूँ। तो भाई यहाँ से फिर क्रॉस करते हैं ऊपर, ये क्रॉस नीचे क्रॉस कर देना ठीक है ना। भाई यहाँ देख सकते हो 1 RSB बराबर $10, मतलब 1 RSB मतलब $10 के बराबर है ठीक है ना। तो मैं यहाँ से $10 का कैश आउट करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पेपाल पर, यहाँ क्लिक कर दिया ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ ऊपर से, बट भाई तुमको ये पहले ईमेल अपने पेपाल में ऐड करना है, तो मैं इसको फटाफट पेपाल में ऐड कर लेता हूँ ठीक है ना। तो भाई मैंने ये पेपाल में ईमेल ऐड कर लिया, तो यहाँ से मैं क्लीना गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लीना गिफ्ट कार्ड पर क्लिक किया, ऊपर से क्रॉस कर देना है। और यहाँ पर तुमको अपना डिटेल डालना है, जो तुम्हारा मतलब पेपाल में नाम है, मान लो मेरा पेपाल पुष्पेंद्र नाम है, तो फर्स्ट नेम दूंगा पुष्पेंद्र और लास्ट नेम दूंगा सिंह, क्योंकि पूरा नाम पेपाल पुष्पेंद्र सिंह है ना, इसलिए यहाँ से मैं करूँगा कन्फर्म ठीक है ना। तो यहाँ मैं कन्फर्म करता हूँ, तो भाई यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ दोबारा। और यहाँ भाई मतलब एड्रेस पूछ रहा है, मतलब पेपाल जो तुम्हारा एड्रेस है ना वो नॉर्मली बस फिल कर देना है ठीक है ना। तो मैं अपना एड्रेस सबसे पहले तुमको यहाँ पर क्लिक करना है पेन पर, यहीं से एड्रेस फिल होगा पूरा ठीक है ना। भाई मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा फुल नेम डालना है, पुष्पेंद्र सिंह डाल दिया हूँ ठीक है ना। एड्रेस उसमें भरना है भाई, जो तुम्हारा एड्रेस है टाउन सिटी, मतलब जब तुम पेपाल अकाउंट बनाते हो उसमें मतलब सब होता है, तब अपना शहर का नाम लिखते हो, किस राज्य में वो सब बताते हो ना, तो उसमें भाई वो सब इसमें फिल करना है। टाउन में भाई मतलब तुमको लिखना है मतलब किस शहर से हो ठीक है ना। तो मैं सबको फिल कर देता हूँ फटाफट, तो भाई मैंने सब फिल कर लिया, नाम दे दिया है, एड्रेस दे दिया है, टाउन भाई जो मतलब एक कस्बा होता है, टाउन कस्बा ही तरह होता है भाई, टाउन मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता ठीक है ना, सिटी बड़ा होता है। तो मैं टाउन दे दिया और सिटी दे दिया, स्टेट दे दिया ठीक है ना। भाई यहाँ पासवर्ड देना ठीक है ना, करंट पासवर्ड मतलब तुमको अपना स्वाग आईक्यू अकाउंट का पासवर्ड देना है, जिसका तुम कैश आउट कर रहे हो ठीक है ना। यहाँ से पहले मैं डन करता हूँ ठीक है ना, तो यहाँ से ये दिख रहा है ना यहाँ पर कन्फर्म, तो यहाँ कन्फर्म, यहाँ पर अपना एड्रेस एक बार चेक जरूर कर लेना ठीक है ना। मैं चेक कर लिया हूँ, यहाँ पर कन्फर्म करता हूँ, तो भाई कन्फर्म कर दिया हूँ, अब वेट करते हैं भाई, यहाँ से क्रॉस करता हूँ ठीक है ना। अब देखते भाई, मतलब ये भाई तुमको यहाँ फ़ोन नंबर देना है भाई, जिस मतलब फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ इसका नंबर भाई ऑलरेडी मैं क्या कार्ड में लगा दिया हूँ ठीक है ना। यहाँ पर मुझे न्यू नंबर चाहिए होगा, तो तुम भाई किसी का ले सकते हो, मैं भी किसी का ले लूँगा ठीक है ना, उस पर एक OTP आएगा ना इसलिए। तो यहाँ मैं नंबर फिल करता हूँ उस वाले को, तो भाई मैंने नंबर ही फिल कर दिया है, मैं नंबर फिल कर दिया हूँ और OTP आएगा, OTP आ गया है 38
38038 ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ भाई। यहाँ पर लिख रहा कॉन्ग्रेगेशन कंटिन्यू ठीक है ना, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से क्रॉस। तो भाई ग्रेट चॉइस, लेट्स योर वेरीफाई, प्लीज़ कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। तो यहाँ मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ दोबारा, कन्फर्म पर क्लिक कर दिया हूँ और भाई लिख रहा सेंड ईमेल। तो यहाँ भाई तुमको कुछ नहीं करना, ये को यहाँ क्लिक करना है और ये देखो यहाँ पर तुम जब ईमेल एड्रेस ऊपर क्लिक करोगे ना तो सेंड का ऑप्शन आएगा, तो मैं सेंड पर क्लिक कर दिया हूँ। एक बार ईमेल सेंड, भाई तुम्हारे ईमेल पर एक मैसेज गया है, तो मैं मैसेज को चेक करता हूँ भाई, रिफ्रेश कर रहा हूँ देखो। तो भाई यहाँ पर एक मैसेज आएगा स्वागत आई क्यू टीम से, भाई आ चुका है देखो भाई, लैब दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। योर ऑर्डर एड आप पेपाल $10 ठीक है ना भाई। यहाँ से मैं वेरीफाई मई ऑर्डर करता हूँ ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो कॉस्ट एक RSVP का $10 है दिखा रहा है कॉस्ट। तो यहाँ से मैं कन्फर्म कर दिया हूँ भाई, यहाँ से देखो 17 SV रह गया ठीक है ना वेरीफाइड, देखो देख सकते हो लैब दिखा रहा हूँ देखो ठीक है ना। एक बार देखो यहाँ दिख रहा है तुमको 17 SV रह गया है भाई। एक बार तुमको फ्लोटिंग में दिखाता हूँ, फ्लोटिंग से किया है ना देखो, फ्लोटिंग में दिखाता हूँ, फ्लोटिंग यही तो था भाई। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा इसी पर, पहले एक या 17 था, अब 17 सही 17 देखो, देख सकते हो भाई लैब दिखाया फ्लोटिंग से कैसे आउट करके भाई। अब मेरा अभी एक दो अकाउंट और रह गया फ्लोटिंग से कैसे आउट के लिए, मैं दिखा रहा हूँ देखो रुको, भी दो का मैंने पहले कर लिया, लैब 15 तारीख के ऊपर दिया साइड में भाई, पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट देख सकते हो भाई, इससे भी कर लिया भाई, ये नहीं है ये वाला शायद भाई इसी भाई, ट्यूजडे को इसका कैसे आउट कर दूँगा, 8 SV का भाई इसमें इसका ठीक है ना। और तुम भाई मैं और दिखाता हूँ पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ एक बार, ये नहीं है भाई, पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तुमको। तो भाई देख सकते हो जो मैंने मतलब कुछ दिन पहले कैसे आउट किया था दिख रहा 15 जून, ये भाई स्वाग आई क्यू का, ये देख सकते हो स्वाग बक्स $10 देखो सर भाई देख सकते हो लैब दिखा रहा हूँ। तो ये वह भाई और इस ये मतलब पेमेंट आया था मेरा 1411 आया था, दो अकाउंट का कैसे आउट किया था मैं भाई। इस वाले अकाउंट का भी पेमेंट आ गया है, दो दिन में पेमेंट आ गया है, लैब दिखा रहा हूँ, पेमेंट प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, आज ही मॉर्निंग में आया है सुबह। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।